नए कृषि विधेयकों को लेकर किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा शुरू किए गए अभियान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने फिर लगातार हरदा जिले के गांव में कृषि विधेयकों पर किसान चौपाल लगाकर किसानों को इन विधेयकों के प्रावधानों की जानकारी दी तथा नए कृषि कानून को लेकर चल रही अफवाहों और भ्रम की स्थिति को साफ करते हुए किसानों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। कृषि मंत्री कमल पटेल की चौपाल में मौजूद किसानों ने स्वैच्छिक रूप से इन विधेयकों को समर्थन में हाथ उठाकर मोदी सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। नए कृषि विधेयकों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा शुरू किया गया समर्थन जुटाने का अभियान किसानों का सहयोग मिलने से सार्थक हो रहा है। गृह जिले हरदा के ग्राम दुर्गाड़ा और खिड़किया में आज इस अभियान को फिर कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूरे प्रदेश में चलाने का आह्वान किया, जिससे बिचौलियों द्वारा किसानों को उकसाकर किए जा रहे आंदोलन का प्रदेश में कोई असर ना हो। कृषि मंत्री कमल पटेल विधेयकों से मिलने वाले लाभ गिनाकर किसानों से सवाल कर रहे हैं कि विधेयक लाभ वाले हैं या नहीं। किसानों द्वारा कृषि विधेयकों का समर्थन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जिससे बिचौलियों में हड़कंप मच गया है। बिचौलिए किसानों को भ्रमित कर उन्हें आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि किसान स्वयं चौपाल लगाकर विधेयकों पर चर्चा करें और दूसरे किसानों को भी समर्थन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि यदि अभी बिल वापस लेना पड़ा तो इसका नुकसान किसानों की भावी पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। किसानों के हित में यह बिल है। प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दोगुना करने का 2022 तक का लक्ष्य रखा, उसको पूरा करने के लिए है। और ये तीनों कानून में संशोधन किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगा, दशा और दिशा बदलेगा। और इसलिए गांव-गांव हम समझा रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं और बताते हैं तो सारे के सारे लोग हाथ उठाकर इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी का कह रहे हैं कि जारी रखो, हम आपके साथ हैं। और कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के जो चुनाव लड़े विधायक का, वो भी इस बिल के समर्थन में हाथ उठाए हैं सब लोग, क्योंकि ये बिल किसान की तकदीर तस्वीर बदलेगा। और अभी तक जो खेती घाटे का धंधा थी वो लाभ का धंधा बदलेगा। अब किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगा सकेगा, क्योंकि उनकी ग्रामीण स्वामित्व योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से उनको ग्रामीणों को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलेगा, जिससे वो बैंक से लोन लेकर शासन की योजनाओं को सब्सिडी का लाभ लेंगे। और इसलिए अब गाँव के लोग खेती व्यवसाय व्यापार उद्योग भी लगा सकेंगे। और जो 4 रुपए में बेचते थे, अब वो व्यापारी जो बिचौलिए कमाते थे 40 रुपए, अब वो किसान कमाएगा। इससे किसान की आय 2 गुना, 4 गुना और 5 गुना और 6 गुना होगी। इससे किसान आत्मनिर्भर होगा, और जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधे लगेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार मिलेगा, तो गाँव की बेरोजगारी भी दूर होगी। और गाँव से जो पलायन होता शहर में वो भी नहीं होगा, और गाँव और शहर का जो भेद है वो भी खत्म होगा। और मोदी जी ने पूरे देश को एक किया है, ग्रामीण क्षेत्र को पहली बार आर्थिक आजादी दिलाई। इसलिए मैं पूरे ग्रामीण क्षेत्र की जनता की ओर से मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये कृषि कानून का पूरा देश के किसान समर्थन कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।